हेलो फ्रेंड्स, सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश कैसे तैयार करें, इंग्लिश वोकैब कैसे तैयार करें। इससे पहले भी मैं लेक्चर में बताया था कि इंग्लिश वोकैब कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश वोकैब जो है अपना फाउंडेशन है। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं जिन लोगों ने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन इंग्लिश में कम स्कोर करने की वजह से वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए, एसएससी की कोई भी पोस्ट नहीं हो पा पाए। तो देखिए, हम लोगों को करना क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। एक प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स एंड थर्ड वन रूट्स। तो देखिए, हम लोगों को क्या करना है कि प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट्स के अकॉर्डिंग हमें वोकैब तैयार करनी है। हमको वोकैब रट्टा नहीं मारना है, वोकैब को समझना है। आप देखेंगे आगे चल के कि हम जो जिस तरह से हम वोकैब पढ़ रहे हैं उस तरह से आप आगे वोकैब में फॉर्मेशन करना स्वयं सीख जाएंगे। मान लीजिए कोई भी टर्म आपके पास आता है, रीडिंग कंप्रेशन पढ़ रहे हैं या कहीं भी आपको क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हैं और वो टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन रूट्स से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। जैसे मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया था, कुछ रूट्स मैंने बताए थे, जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो देख लें। मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूं यहां पर। जैसे कि पहला मैंने एक रूट्स आपको ईगो बताया था, दूसरा आपको हमने मिस बताया था, फिल बताया था, एक बताया था आपको फोबिया बताया था, एक आपको इष्ट और एक आपको लॉगी बताया था। पिछले वाले लेक्चर में मैंने इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इनपे एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। ईगो का मतलब क्या है? आई, ये अहंकार से संबंधित है। मिस का मतलब नफरत से है, हेट करना। फिल का मतलब लव से है, प्यार करना। ये जो मिस है वो फिल का कैसा है? अपोजिट है। ठीक है, फोबिया में मैंने आपको बताया था, फोबिया का मतलब क्या है? डर। ठीक है, इष्ट में भी मैंने बताया था, इष्ट कौन था? इष्ट था डूअर, करने वाला। और लोही का मतलब क्या था? स्टडी करना। तो इन सारे रूट्स पर बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे टर्म आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, और आई होप आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, डन भी किया होगा। और इन रूट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये रूट्स आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने दो रूट्स लिए हैं, एक गाइन और दूसरा एंड्रो। तो देखिए, जो ये गाइन और एंड्रो है ये आपस में अपोजिट है। तो ये जो रूट गाइन है इसका मतलब है फीमेल, फीमेल से संबंधित है ये। तो फीमेल की डिसीज, फीमेल, फीमेल ऑर्गेन, उन सभी से संबंधित है। एंड्रो मेल से संबंधित है। तो एंड्रो आपका रिलेटेड टू मेल है, गाइन फीमेल से संबंधित है। ठीक है, तो फीमेल की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसीज हैं, उनके ऑर्गेन हैं, उनसे संबंधित आपका गाइन है और एंड्रो मेल से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट है गायनकोलॉजी, सेकंड गायनकोलॉजिस्ट, थर्ड मिसोजिनी, फोर्थ मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट है फिलोगाइनी,
नेक्स्ट फिलोगाइनिस्ट। अब देखिए जो मैंने आपको मिस और फिल रूट्स बताए थे, मिस का मतलब क्या था, नफरत करना, फिल का मतलब क्या था, प्यार करना, और आपको मैंने एक गाइन भी रूट बता दिया है, तो गाइन का मतलब क्या है, फीमेल या फीमेल से संबंधित है, ठीक है, फीमेल फीमेल के ऑर्गेन्स जो है, अंग है, उनसे संबंधित है, उनके डिसीज से संबंधित है। लॉगी देखिए मैंने ये आपको बताया था, लॉगी का मतलब क्या है, स्टडी करना। गाइन का मतलब फीमेल से संबंधित एलिमेंट यानी बीमारियां। तो गाइनकोलॉजी है, तो गाइनकोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि वो साइंस या वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं, लॉगी करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसका, फीमेल से रिलेटेड बीमारियों का। तो फीमेल से रिलेटेड बीमारियों का जिस ब्रांच में, जिस साइंस में हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, गाइनकोलॉजी। और इस फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अध्ययन करने वाला इष्ट, मैंने आपको बताया था इष्ट कौन है, डूअर, करने वाला, तो आपको मालूम है। अब देखिए आपको बड़ा इजीली बता देंगे, तो गायनकोलॉजिस्ट कौन हुआ, वो पर्सन जो फीमेल फीमेल से रिलेटेड उसकी डिसीज ऑर्गेन्स की क्या करता है, स्टडी करता है, जिनको हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं। और वो कौन से डॉक्टर होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ओके, अब देखिए आप लोग, मिस आपको पता है, फिल आपको पता है, आप लोग इनके आंसर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं फिर, मिसोगाइनी, तो मिस का मतलब क्या है, नफरत करना, मिस क्या है, नफरत, और गाइन क्या है, फीमेल। तो किससे नफरत करना हुआ, गाइन से, फीमेल से, यानी वो ट्रेडिशन, वो परंपरा जहां पर लोग औरतों से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, या उन्हें दोयम दर्जे का समझते हैं, या अपने से इंफीरियर समझते हैं, ठीक है। और मिसोगाइनिस्ट इष्ट क्या हुआ, पर्सन, तो मिसोगाइनिस्ट कौन हुआ, वो पर्सन जो फीमेल्स को कैसा, दोयम दर्जे का समझता है, नीचा समझता है, उस पर्सन के लिए क्या होगा, मिसोगाइनिस्ट। तो ये व्यक्ति हुआ, वह व्यक्ति जो महिलाओं को निम्न समझता है, नीचा समझता है, निम्न समझता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आप इन दोनों के टर्म बता सकते हैं, वहां पर क्या था, नफरत करना था, यहां पर क्या है, फिल है, लव करना है। तो फिलोगाइनी, वो ट्रेडिशन, वो परंपरा जहां पर लोग क्या करते हैं, फीमेल्स को लव करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, और फिलोगाइनिस्ट वो पर्सन हो गया। ओके, देखिए इसी तरह से मैं ये एंड्रो से भी रिलेटेड टर्म लेके चलता हूं, ठीक है। जिस तरह से उसमें किसकी अध्ययन करना था, गाइन का, फीमेल का, इसी तरह से इसमें किसका अध्ययन है, एंड्रो यानी मेल का। तो मेल का अध्ययन करना क्या है, एंड्रो मींस मेल। तो वो साइंस जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मेल का, तो वो क्या कहलाती है आपकी, एंड्रोलॉजी, ठीक है। और एंड्रोलॉजिस्ट कौन हुआ, वो पर्सन, वो व्यक्ति, इष्ट क्या हुआ, व्यक्ति। तो एंड्रोलॉजिस्ट कौन हुआ, वो व्यक्ति जो मेल को, मेल के बारे में क्या करता है, अध्ययन करता है, वो आपका क्या कहलाएगा, एंड्रोलॉजिस्ट। ओके, अब इसी तरह से देखिए मिसोगाइनी है ना, तो मिसोगाइनी में यहां पर क्या है, मिस एंड्रे, मिस एंड्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो आप लोग स्वयं बनाइएगा, तब तक मैं इनको बताता हूं। तो मिस मींस क्या है, नफरत करना, हेट करना, एंड्री मतलब मेल को, तो किसको नफरत करने की ट्रेडिशन है, ऐसा ट्रेडिशन जहां पे लोग मेल को नफरत करते हैं, मेल से नफरत करते हैं, पुरुष से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो मेल से नफरत करने वालों के लिए इष्ट क्या है, करने वाला, ठीक है।
इसी तरह से देखिए, ये मैंने आपको नफरत के लिए बता दिया है, तो जो प्यार से संबंधित है वो आप लोग बताइएगा क्विकली, जल्दी बताइएगा। तो पहला क्या हुआ, फिलेंड्री। तो फिलेंड्री में क्या है कि आप मेल को क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो ट्रेडिशन हो गया फिलेंड्री। और अगर आप फिलेंड्रिस्ट हैं तो आप मेल को, पुरुष को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए अपोजिट है, मैंने आपको पहले ही बताया गाइन फीमेल से संबंधित है, एंड्रो मेल से संबंधित है। तो गाइनकोलॉजी मैंने बता दिया आपको किसकी स्टडी करना है, फीमेल या फीमेल से एलिमेंट से रिलेटेड स्टडी करना। एंड्रोलॉजी मेल से संबंधित चीजों का अध्ययन करना, उसके स्वभाव का, किस तरह का पौरुषत्व है, स्वभाव है उसका। गाइनकोलॉजिस्ट करने वाला पर्सन, एंड्रोलॉजिस्ट मेल के बारे में अध्ययन करने वाला पर्सन, मिसोगाइनी फीमेल को नफरत करना क्योंकि गाइनी फीमेल है, मिसएंड्री पुरुष से नफरत करना, मेल से नफरत करना, मिसोगाइनिस्ट फीमेल से नफरत करने वाला व्यक्ति, मिसएंड्रिस्ट मेल से नफरत करने वाला व्यक्ति, फिलोगाइनी। तो फिलोगाइनी में क्या है कि आप फीमेल को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। फिलांड्री में भी ऐसा ही है कि जो लोग फीमेल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, फिलोगाइनिस्ट, तो फिलोगाइनिस्ट में फीमेल को पसंद करने वाला व्यक्ति और फिलेंड्रिस्ट मेल को पसंद करने वाला व्यक्ति। चलिए हम और कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, चलिए तो कुछ और भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं इनसे संबंधित। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मोनो क्या होता है, बाई क्या होता है और पॉली क्या होता है। ठीक है, मोनो के भी बारे में मैंने बताया आपको, बाई के भी बारे में बताया है और पॉली के भी बारे में बताया, तो ये भी स्वयं में एक रूट है। ठीक है, तो मोनो, बाई और पॉली, तो मोनोगाइनी, बाईगाइनी और पॉलीगाइनी। तो देखिए ये गाइनी है, एन वाई लगा हुआ है, पॉली मोनो का मतलब आपको मालूम है, मोनो का मतलब एक और गाइन मतलब फीमेल, यानी वो ट्रेडिशन, वो परंपरा जहां पर सिर्फ एक फीमेल आप रख सकते हैं, यानी सिर्फ आप एक अपनी वाइफ रख सकते हैं, वो क्या, वो प्रथा क्या कहलाती है, मोनोगाइनी। मैंने आपको गेम में बताया था मोनोगेमी, वहां आपकी एक शादी है, यहां पे सिर्फ आप क्या रख सकते हैं, एक फीमेल रख सकते हैं। ठीक है, बाई के फीमेल आप दो, यानी दो वाइफ रख सकते हैं, और पॉलीगाइनी वो प्रथा है जिसमें एक से ज्यादा, बहुत सारी स्त्रियां रख सकते हैं। बहुत सारी स्त्रियों को रख सकने वाली प्रथा, ये प्रथा है। ठीक है, अब इन्हीं में हम क्या करते हैं, पर्सन की अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति की, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, मोनोगाइनिस्ट, यानी वो व्यक्ति जिसकी सिर्फ एक पत्नी है वो मोनोगाइनिस्ट है। बाईगाइनी में बाईगाइनिस्ट, वो व्यक्ति जिसकी दो दो वाइफ है, और पॉलीगाइनी, तो ये आपका हो गया पॉलीगाइनिस्ट, जिसकी बहुत सारी वाइफ है। देखिए अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आप अपने कल्चर, देखिए मैंने ये आपको बताया था कि वोकैब आपको रटना नहीं है, वोकैब को आपको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने ईगो वाले टर्म बताए थे, तो उसमें मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कैसे ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट डिफरेंट है अलग अलग, इसी तरह से यहां भी मैं आपको एक रिलीजियस करेक्टर के रूप में मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए मोनोगाइनिस्ट आप किसको बोल सकते हैं, जिसकी एक वाइफ हो, जिसने पूरे होल लाइफ सिर्फ एक पत्नी को रखा हो, जैसे आप भगवान राम को बोल सकते हैं, वो मोनोगाइनिस्ट थे। ठीक है, बाईगेमिस्ट जिसने, जिसकी दो वाइफ हो, भगवान गणेश को मान सकते हैं, उनकी दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। पॉलीगाइनिस्ट जिसने बहुत सारी, यानी दो से अधिक जिसके स्त्रियां, आप भगवान श्री कृष्ण को मान सकते हैं कि वो कैसे थे, पॉलीगाइनिस्ट थे, क्योंकि उनकी एक समय में भाई 16,000 के अराउंड वाइफ थी, तो दो से तो ज्यादा हुआ ना,
तो ये आपका पॉलीगाइनिस्ट जिसके बहुत सारी वाइफ हों एक समय में, बाइगैमिस्ट जिसके सिर्फ दो वाइफ हों एक समय में, और मोनोगाइनिस्ट जिसकी सिर्फ एक ही पत्नी हो एक समय में। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आपको एंड्रस में बताते हैं कि जिस तरह से ये फीमेल के लिए ये हो गया कि एक मेल के एक पत्नी तो मोनोगाइनिस्ट हुआ, दो पत्नी तो बाइगाइनिस्ट हुआ, और तीन दो से अधिक अगर पत्नियां हैं तो वो पॉलीगाइनिस्ट हुआ। ये कौन मेल, कोई मेल हुआ। अब इसमें हम बात करते हैं मोनोएंड्रिस्ट, बाइएंड्रिस्ट और पॉलीएंड्रिस्ट। देखिए मोनोएंड्रिस्ट कौन हुआ, वो फीमेल, याद रखना ये चीज, वो औरत जिसका एक पति हो, सिर्फ एक पति हो वो मोनोएंड्रिस्ट है। बाइएंड्रिस्ट जिस महिला के दो पति हो, और पॉलीएंड्रिस्ट बहुत सारे पति हो, जैसे द्रौपदी, जो द्रौपदी थी वो पॉलीएंड्रिस्ट थी क्योंकि उनके दो से ज्यादा पति थे, फाइव हस्बैंड थे, तो वो पॉलीएंड्रिस्ट थी। तो ये ध्यान रखना है पॉलीएंड्रिस्ट में कौन, द्रौपदी का आप जो एग्जांपल है वो याद रखेंगे और आप इस तरह से ये सारे वर्ड भी आप नहीं भूलेंगे। मोनोएंड्रिस्ट वो महिला जिसका एक पति हो, बाइएंड्रिस्ट वो महिला जिसके एक से ज्यादा यानी दो पति, बाई का मतलब क्या था दो, और पॉलीएंड्रिस्ट जिसके दो से भी ज्यादा पति हो, जैसे द्रौपदी उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, इन पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप जब रीडिंग कंप्रेंशन करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, अब इनसे संबंधित अगर इन रूट से संबंधित आपको कोई भी टर्म मिलेगा तो आप उन टर्म्स को बिलीव मानिए बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। यही मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि आपको फीलिंग होने लगेगी, ऐसे ही फीलिंग नहीं होने लगती है, जब आप इन रूट से सारे चीजों को समझेंगे तो आप उस अननोन वर्ड को अगर नहीं भी जानते होंगे तब भी आप ये फील कर लेंगे कि हाँ इसका ये मतलब है, क्योंकि इसमें ये रूट है तो इस रूट के अकॉर्डिंग आप ये फील कर लेंगे। ठीक है, एक और हम टर्म लेते हैं गायनोक्रेसी, इधर ले लेते हैं एंड्रोक्रेसी। ठीक है, तो अब आपको मालूम है क्रेसी ये भी एक रूट है, क्रेसी भी एक रूट है, आगे चल के मैं इस क्रेसी के बारे में बताऊंगा। क्रेसी राजतंत्र तंत्र के लिए यूज होता है। तो गायनोक्रेसी किन लोगों का शासन है, महिलाओं का, गायन का मतलब फीमेल, तो महिलाओं का शासन, आजकल वही महिलाओं का ही शासन चल रहा है। ठीक है, और एंड्रोक्रेसी इसमें किसका शासन है, पुरुष लोगों का। तो यहां पर पुरुष लोगों का शासन है, तो गायनोक्रेसी हो गया, ठीक है, एंड्रोक्रेसी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले ये और देखिए जरा, एंड्रोगाइन, इसका मतलब आप लोग बताइएगा, एंड्रो और गाइन, एंड्रोगाइन का क्या मतलब है। ठीक है, अब एक मैं टर्म लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलांडरर। देखिए फिल एंड्रिस्ट और फिलांडरर में क्या अंतर है, इसको देखिएगा आप लोग, इसका बताइएगा एंड्रोगाइन का क्या मतलब है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई बताएगा, फिलेंड्रिस्ट और फिलांडरर में क्या अंतर है। देखिए इसमें भी एंड्री रूट लगा हुआ है मतलब मेल है, फिल का मतलब लव है, यहां भी लगा हुआ है फिल का मतलब लव है, और यहां भी एंड लगा हुआ है एंड्री, तो इसका इस इनमें और उनमें क्या अंतर है बताइए।
तो देखिए फिल एंड रिस्ट क्या है, रिस्ट हमने बताया था करने वाला, फिल मतलब लव और एंडर का मतलब मेल, यानी मेल यानी पुरुष लोगों से प्यार करने वाला, उनकी चीजों को पसंद करने वाला, ठीक है। लेकिन यहां इसका मतलब ये नहीं है, इस पे मार्क करिए, इसको नोट करिए, यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइए इस पर। फिलांडरर उस व्यक्ति को बोलते हैं, एक्चुअली में हिंदी में इसका मतलब होता है व्यभिचारी, जो लोग हिंदी जानते हैं वो इस मतलब को समझ गए होंगे कि व्यभिचारी मतलब होता है, ठीक है। व्यभिचारी मतलब व्यसन, यानी जो पर्सन, वो व्यक्ति जो जिसकी एक से ज्यादा महिलाओं से इलीगल संबंध रहते हैं, समझ रहे कि ना, कि उसके कभी इस महिला के साथ संबंध है, कभी किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है, ऐसे व्यक्ति के लिए फिलांडरर टर्म यूज होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो भी मैं ये टर्म बता रहा हूं, जो ये टेक्निक बता रहा हूं, इससे आप लोग बहुत ही बेनिफिट उठाएंगे, और खासकर वो लोग जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश, उनका जो फियर एक है कि इंग्लिश बहुत ही हवा है, एकदम इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में स्कोर कम आता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ग्रामर भी करते रहिए, ग्रामर का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन पहले आप इस फाउंडेशन को, जो भी मैं वोकैब बता रहा हूं, ये सारी वोकैब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप उस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बस तीन यही सिर्फ वोकैब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोकैब आपको पूरे इंग्लिश के पेपर में हर जगह डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको काम आते ही आते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया था पिछले वाले लेक्चर के लिए जो मैंने बनाया था, उसमें आप लोगों की कमेंट्स भी मैं पढ़ा, बताइएगा आप लोगों को ये मेरा लेक्चर कैसा लगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। दूसरी बात यह है कि मैं इससे भी और भी अच्छे रूट्स लाने वाला हूं, बिलीव मानिए आप लोगों को 90% वोकैब में इसी तरह से तैयार कर पाऊंगा, 10% वोकैब हो सकता है जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इतना तो चलता है। ओके बाय बाय।